नागपुर के मुग्धा ईईसीपी हार्ट केयर सेंटर की ओर से नागपुर शहर की जनता के लिए हार्ट केयर व जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के उत्कृष्ट परिसर अजनी चौक पर आयोजित इस शिविर का आयोजन सेंटर के संस्थापक डॉक्टर सचिन देवहरे ने किया था। इस शिविर में आए सभी लोगों की जांच एवं उनको मार्गदर्शन डॉक्टर द्वारा किया गया। सेंटर के संस्थापक डॉक्टर सचिन देवहरे का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट की परेशानी हो तो इसका इलाज हमेशा ही ऑपरेशन से नहीं होता, अच्छा इलाज करने से भी यह परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही उन्होंने शिविर में आए लोगों के बारे में भी जानकारी दी। माझे नाव पुष्पा यादवराव मिश्रा, मी माझा मुलगा पंकज मिश्रा याच्याबद्दल माहिती सांगत आहे। जेव्हा माझा मुलगा पुण्याला सिडॅक्समध्ये नोकरी करत होता त्यावेळेला त्याला अचानक अटॅक आला आणि आम्ही त्याला पुण्याला 10 दिवस त्याची ट्रीटमेंट केली, त्याच्यात थोडी सुधारणा झाली होती। नंतर आम्ही त्याला एम्स हॉस्पिटलला गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला नेलं, तिथं पण थोडा झालं। नंतर आम्हाला सचिन सरांबद्दल माहिती झाली त्या थेरपीबद्दल, तर आम्ही त्याला इथं आणलं। इथं त्याची पुष्कळशी इम्प्रूव्हमेंट झाली आहे, आता तो ठीक आहे, सर्व व्यवस्थित ठीक आहे। इथं 35 दिवस ट्रीटमेंट केली सर। मी यादवराव दिगंबर मिश्राम, मुक्काम देवरी। माझ्या मुलाला एम्स हॉस्पिटलमध्ये भरती केला अटॅक आल्यानंतर, आणि अटॅक त्या दुरुस्त थोडा दुरुस्त झाल्यानंतर काही दिवसानं या हॉस्पिटलविषयी माहिती मिळाली डॉक्टर सचिन देवरे साहेबाच्या विषयी। ते इथे आणल्यानंतर त्याला 35 दिवसात ट्रीटमेंट देण्यात आला। ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्याला जे माहीत म्हणजे ब्रेनमध्ये जे काही होतं थोडाफार समजत नव्हता किंवा मागील माहिती त्याला समजत नव्हती, ती या ट्रीटमेंटमुळे त्याच्या लक्षात आली आणि आता तो व्यवस्थित झाला आहे। आता पर्सेंटेज तर सध्या आता जी माहिती होईल आज काढल्यानंतर आता बरं आहे, तब्येत वगैरे त्याची चांगली आहे, हो 50-60% तरी चांगला झाला आता। नमस्कार, मी डॉक्टर सचिन देवहारे, प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिओलॉजिस्ट अँड डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईसीपी अँड हार्ट केअर सेंटर। आज हमने जैसे लास्ट मंथ में एक कार्डियोग्राफी का एक कैंप रखा था, वैसे ही हमने अभी एक थर्ड एक कार्डियोग्राफी का आज कैंप रखे हैं जो सक्सेसफुली हम डिलीवर कर रहे टू पेशेंट्स। अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे कम से कम 20-25 नए पेशेंट्स आज हम कार्डियोग्राफी के लिए अपॉइंट कर चुके हैं, जिनका और कुछ हमारे पुराने पेशेंट्स भी है जिनको हमने ईसीपी और एसीटी से ट्रीटमेंट दिया है। जब हमने सबका जो भी अभी 7-8 पेशेंट्स जो अभी तक हुए हैं उन पेशेंट्स में हमने जो रिपोर्ट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ईसीपी और एसीटी मिले हुए पेशेंट्स हैं उनका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखा है, जहाँ पे उनको 90% 70-80% के ब्लॉकेजेस थे या एलवी जिनका 15-20% पे ड्रॉप हुआ है। ऐसे पेशेंट्स का हमने जब कार्टोग्राफी टेस्ट किया तो उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखा है, जहाँ भी ब्लॉकेजेस 100% तक 90% तक थी, जहाँ वहाँ का कोरोनर नैरो इंडेक्स अप्रोक्सीमेट 0-10% तक हमको मिल रहा है, यानी बोल सकते वहाँ पे 90% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। वैसे ही एलवी जो जिनका 15-20% पे ड्रॉप हुआ है वहाँ पे 50-40% तक का भी इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है। तो और जो नए पेशेंट्स हैं जिन जो कुछ कहीं बाहर से एंजियोप्लास्टी बाईपास करके आए हैं या जिन्होंने कुछ भी नहीं किया डायग्नोस्टिक पर्पज़ पे वो आज अपने यहाँ आए हैं उनका भी हम लोग कार्डियोग्राफी टेस्ट कर रहे हैं। किसी का फॉर्चुनेटली रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स का जो कुछ सिम्टम्स बोल रहे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है या छाती में दर्द है या कुछ ज़्यादा एग्जर्शन पे उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे पेशेंट का भी हमने कार्डियोग्राफी टेस्ट किया है जिनमें उनको कुछ प्रमाण में उनको नैरोइंग इंडेक्स कम हुआ बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिनका हम 70-80% का नैरोइंग इंडेक्स दिख रहा है जब ब्लड फ्लो बड़ा है उनको हम लोग उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट एडवाइस जिनको बाईपास करना है एंजियोप्लास्टी करना है वो उनको हम लोग एडवाइस कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी बाईपास कीजिए, या फिर जिनको बिना बाईपास बिना चिरफाड़ के अगर करना चाहते तो उन्होंने हमको उनको हमने ईसीपी एडवाइस किया है। तो काफ़ी पेशेंट को हमारा कैंप पसंद आ पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लान भी कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट हम 95% तक इम्प्रूवमेंट पेशेंट को देते हैं, जो जो जिन पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास एडवाइस किया है, जो पेशेंट उनको
एंजियोप्लास्टिया बायपास करने के बावजूद भी कंप्लेंट्स है, जो 4-6 महीने में जो स्टेंट ब्लॉक होकर आ रहे या 1-2 साल में बायपास ग्राफ्ट फेल होने के कारण आ रहे, ऐसे पेशेंट को भी 95% तक का रिलीफ हम लोग दे पा रहे हैं विद ACP और ACT ट्रीटमेंट। तो जो पेशेंट्स जो चलना फिरना भी जिनसे नहीं हो पा रहा था या जो टॉयलेट बाथरूम तक भी खुद के काम नहीं कर पा रहे, वो आज अपना अच्छा 1 किलोमीटर तक वॉक करने के हिसाब से भी आज इम्प्रूवमेंट उन पर दिख रहा है। चेस्ट पेन काफ़ी हद तक उनका बंद ही हो गया, एक ECP के 8 से 10 सेशन में ही हमको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है और बाद में धीरे धीरे पेशेंट कॉन्फिडेंस हो जाता है और अल्टीमेटली वो अपना पूरा ट्रीटमेंट कर ही लेता है। ECP ट्रीटमेंट ये पूरा 35 सेशंस प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा 35 सेशंस हम लोग देते हैं और ब्लॉकेजेस के हिसाब से उसको 10 से 15 इंजेक्शंस हम एडवाइस करते हैं और 10 से 15 इंजेक्शंस में वो काफ़ी हद तक उनको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। 35 सेशंस में अगर किसी पेशेंट को नहीं मिल पाता है और कार्डियोग्राफी में हमको कुछ नैरोविक इंडेक्स अभी भी ज़्यादा दिख रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कुछ देर उनको 10-15 सेशंस एडवाइस कर देते हैं और अगले 10-15 सेशन में वो भी निकल जाता है। BCN के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम हर महीने जैसे कार्डियोग्राफी का कैंप रखते हैं, एक अपने हार्ट अवेयरनेस के हिसाब से अपना हार्ट का स्टेटस जानने के लिए, या हम तो खुद को हेल्दी ही मानते हैं लेकिन हार्ट के अंदर अभी क्या चल रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल हमारे पास है 30-40 में भी अभी सडन कार्डियक डेथ होना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम और कॉन्फिडेंट ना रहे और अपने और कॉन्फिडेंट ना रहे और अपने हार्ट का स्टेटस जानने के हिसाब से उन्होंने खुद का चेकअप एक कम से कम कार्डियोग्राफी एक बहुत मिनिमल नॉर्मल चार्जेस में हो जाता है। जो एंजियोग्राफी आज हम लोग 10-12 हज़ार रुपये जो एंजियोग्राफी के लिए लगता है उससे और एडवांस टेक्नोलॉजी की 3D वैस्कुलोग्राफी या कार्डियोग्राफी टेस्ट होती है जो सिर्फ हम 4,500-5,000 में हम यहाँ पे पेशेंट को अवेलेबल करा देते हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली वो मशीन नागपुर में ना होने के कारण हमको मुंबई से बुलाना पड़ता है, तो मुंबई से जब वो आते हैं तो कम से कम 1-1 महीने में हम उसको कैंप रेगुलरली हम रख पाएंगे। तो NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।